हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब हम लोग इन इक्वेशंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसमें बस बेसिक सा चीज़, एक चीज़ हमने नहीं पढ़ा था। मैंने जो भी इनइक्वालिटीज़ करवाए थे उसमें सब कुछ फैक्टराइज करके दिया था। जैसे मैंने ये लिखा था एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस टेन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने सीख लिया था। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं करी थी, वो जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्वॉल्व हो। जैसे कि सपोज एक इनइक्वालिटी आ गया एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर, या फिर एक्स माइनस वन रहने दिया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस टाइप का सपोज क्वेश्चन आ गया, अब तुम्हें सॉल्व करना है। तो तुम्हें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा फैक्टराइजेशन करना है या नहीं। फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने जो रूल पढ़े थे वे भी कर्व वाला, उसमें तो फैक्टराइजेशन यूज होगा। लेकिन क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा फैक्टराइज कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं कर पाएंगे हमेशा। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? जब उसके रियल रूट होंगे तब तो वो फैक्टराइज होगा। अगर रूट से रियल नहीं हुए तो फैक्टराइज हो पाएगा क्या? नहीं। जैसे जैसे ये नीचे वाले को देखो, इसका जब तुम डी निकालोगे तो वो तो आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डेट इज माइनस थ्री। तुम इसको फैक्टराइज ही नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको तुम बहुत ही आसानी से फैक्टराइज कर पाओगे। इसके जब रूट्स कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा वन कॉमा फोर, रूट्स आएगा वन कॉमा फोर। अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दे या इक्वेशन दे दे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो और इसके तुम्हें रूट्स कैलकुलेट करने हो तो तुम निकाल सकते हो ना एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा फोर। कैसे निकाल सकते हो? ये चैप्टर ही उसी पे बेस्ड था। अच्छा, अगर रूट्स आ चुके हैं दिस मीन्स दिस कैन बी फैक्टराइज। ये तो हमने सीखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर इसका रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। किस फॉर्म में किया जा सकता है? वी कैन ऑलवेज राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन सोचो ना, ये वाला केस तभी तो पॉसिबल होगा जब दो रूट्स होंगे, वो भी रियल वाले। इमेजनरी वाले होंगे तो इमेजनरी में फैक्टराइज करने जाओगे? नहीं जाओगे। तो बस यही थोड़ा सा चेंज था। अगर तुमने फैक्टराइजेशन कर ही लिया उसके बाद तो ये वाला सेम टू सेम वो क्वेश्चन बन गया जो पुराना हमने किया था। ओके, तो यही चीज हमें फंडा पढ़ना है। देखो बेसिक सा फंडा, सबसे पहला पॉइंट लिखना है, नोट नोट में देखना है। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैंने देखा इसका डी कैलकुलेट किया, अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ गया, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो रूट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। मुझे दिख रहा था ऊपर, मैंने जब ग्राफ भी बनाया और जिस टाइम पे डी ग्रेटर देन जीरो होता था उस टाइम पे ये कितनी बार कट करता था एक्स एक्सिस को? दो बार। दिस मीन्स क्या होता था? दो रियल रूट्स हैं। ओके, दिस मीन्स इस टाइम पे रियल रूट, सपोज लेट्स से रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा। अगर अल्फा कॉमा बीटा रूट है तो वी कैन ऑलवेज से डैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी फैक्टराइज इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ओके, पॉइंट नंबर टू, जब d इज इक्वल टू जीरो आ जाए, क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है उसका तुमने d कैलकुलेट किया, d इज इक्वल टू जीरो आ गया, भाई ये क्या होगा तब? जब d इज इक्वल टू जीरो आएगा तो पता होना चाहिए सबको एक ही रूट आएगा। जब तुमने ग्राफ बनाया था तो तुम्हें दिखा था कि जब d इज इक्वल टू जीरो होता है तो ग्राफ x एक्सिस को टच करके ऊपर चला जाता है या फिर टच करके नीचे चला जाता है। ओके, टच करके चला जाता है मतलब कितने रूट्स आए? रूट्स तो हमेशा दो ही आएंगे लेकिन दोनों के दोनों रूट्स सेम आ गए। अच्छा,
दिस मीन्स इस टाइम पे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर अल्फा कॉमा अल्फा। इसका मतलब इस टाइम पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी फैक्टराइज इंटू एक्स माइनस अल्फा दी होल स्क्वायर। लेकिन केस नंबर थ्री, अगर भैया डी लेस देन जीरो आ गया इस टाइम पे तो फंस जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएगा। हमने ग्राफ में भी देखा था, या तो ग्राफ ऊपर ही रह जाता है या तो नीचे ही रह जाता है डी लेस देन जीरो होता है तो। अच्छा, डी लेस देन जीरो होता है, ग्राफ ऊपर ही रह जाता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने वाई इज इक्वल टू समथिंग समथिंग का ग्राफ बनाया और वो हमेशा ऊपर ही रह गया। इसके बारे में मैंने बताया था कि वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रह गई। अच्छा, इस केस में y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रह गई। इस केस में देखो, ओके, दिस मीन्स इस टाइम पे आइदर y ग्रेटर देन जीरो होगा बेस्ड ऑन a, अगर a पॉजिटिव रहा तो, एंड y की वैल्यू लेस देन जीरो होगी अगर a नेगेटिव रहा तो। अच्छा, कोई रूट्स नहीं आएगा? नहीं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स इस टाइम पे, रूट्स वगैरह रियल वगैरह नहीं आएगा। अगर ये तीन बातें याद है तो हम लोग ऊपर वाला इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मैं फिर से उसको लिख देता हूँ, क्वेश्चन था हमारे पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इनइक्वालिटी का सबसे पहला रूल क्या था कि इसको भाई एक्स प्लस माइनस ए के फॉर्म में रिड्यूस करो। अब तुम्हें दिख रहा है ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है, क्या करोगे? डी कैलकुलेट करोगे। तुम्हें तो ये पता है कि सर इसका डी निकालूंगा वो कुछ पॉजिटिव आएगा, सर इसके तो रूट्स भी मालूम है मुझे 1 एंड 4। दिस मीन्स सर ऊपर वाला तो बहुत ही प्यार से फैक्टराइज होने वाला है, पहला एक्स माइनस वन को रहने दिया एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x-+4 कैन बी फैक्टराइज इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। अब नीचे वाले में पंगा है, नीचे वाले का जब हमने डी कैलकुलेट किया तो वो -3 आया। अच्छा, डी कैसा आया? नेगेटिव। डी नेगेटिव आया मतलब इसका जब ग्राफ बनेगा या तो हमेशा ऊपर या तो हमेशा नीचे, वो डिपेंड किस पे करेगा? एक्स स्क्वायर के कोइफिशेंट पे। एक्स स्क्वायर का कोइफिशेंट कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर का कोइफिशेंट 1 है मतलब ग्राफ ऊपर वाला होगा। अच्छा, अगर ग्राफ ऊपर वाला होगा मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी एक्स डालो, कुछ भी एक्स डालो, वाई की जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। दिस मीन्स ये नीचे वाला क्वांटिटी इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। बस, और सोचो अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो क्या उससे इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई इनइक्वालिटी के साइन में फर्क पड़ेगा? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो सर क्या करो, इस चीज से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। जब मैं इस चीज से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इंटू दिस चीज विल बी 0 एंड नीचे तो हट ही गया। ओके, तो अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन इज एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन बन गया ये। देखो, नंबर लाइन बना दिया 1 एंड 4, और तुम्हें पता है 1 का पावर कितना है? 2। दिस मीन्स यहाँ पे साइन चेंज नहीं होने वाला है, तुमने स्टार मार्क कर दिया, प्लस माइनस एंड माइनस ही रहने दिया। नाउ मुझे चाहिए क्या? ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, तो वी कैन से 4 से बड़ा कुछ भी ले लो। तो एक्स बिलोंग्स टू 4, 4 को लेना है क्या? बोलेंगे हाँ, 4 को लिया। कहाँ तक गए? इन्फिनिटी तक गए। आंसर कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? इज इक्वल टू 0 वाले को अभी तक हमने नहीं देखा। एक जगह तो देख लिया कि 4 पे वो 0 आ रहा है, दिस मीन्स मैं 4 को इंक्लूड करूंगा, लेकिन क्या कहीं और भी 0 आ रहा है जो इस इंटरवल में नहीं है? तुम बोलोगे हाँ सर, एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये 0 आ रहा है और अपना जो इंटरवल लिखा हुआ है उसमें वो नहीं है। दिस मीन्स यूनियन 1। सो दिस फाइनल आंसर इज ये वाला आ गया, बस यही था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यही था।
चलो अब एक भारी भरकम सवाल लेते हैं। भारी भरकम सवाल क्या होता है? बेसिकली मैं रैंडम क्वाड्रेटिक ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एंड माइनस फोर, माइनस सेवन ले लिया। कुछ भारी भरकम होना चाहिए ना, जो इजिली फैक्टराइज ना हो पाए। ओके एंड नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस फाइव लेस देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू लगाने के बाद फंसते हैं थोड़े बंदे, इसलिए मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब तुम बोलोगे सर भारी भरकम सवाल दे दिया आपने, तो करेंगे एक एक करके। पहले इसका ऑपरेशन किया जाए, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव का। भैया इसका डी क्या है चेक कर लेते हैं। डी आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अरे भाई 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 भाई, ये तो माइनस सिक्सटीन, भारी भरकम नेगेटिव नंबर आया। ओके दिस मीन्स ये वाला चीज फैक्टराइज होगा ही नहीं, इसके तो रियल रूट्स है ही नहीं। इसका मतलब इसका जब मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा तो या तो वो हमेशा ऊपर जाएगा या तो नीचे। अब तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर रहेगा या नीचे किस पे डिपेंड करेगा? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? वन। दिस मीन्स ये वाला ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको हटा सकते हैं दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। हाँ दिस मीन्स इसका तो कोई यूज ही नहीं था इस क्वेश्चन में, हटा के फेंको इसको। नेक्स्ट अब इसको भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसका मैंने डी कैलकुलेट किया भैया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये तो माइनस थ्री विच इज नेगेटिव। हाय 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 हाय। अच्छा तो ये वाला चीज भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ ये नेगेटिव है ना, कोई फैक्टराइजेशन नहीं होने वाला है। तो ये भी फालतू का दिया हुआ था, पॉजिटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो अभी तक तो ये रिड्यूस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन को देखा जाए। इसका जब मैं डी निकालूंगा तो वो आएगा बी स्क्वायर नाइन माइनस फोर ए सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28 विच इज 37। अरे यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर आया ही नहीं, दिस मीन्स इसके रूट अच्छे खासे नहीं आएंगे, बहुत ही गड़बड़ रूट्स आएंगे। देखता हूँ जब मैं इसकी रूट्स निकालने की कोशिश करूँगा तो आएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। इतने घटिया घटिया रूट्स आए भाई, थ्री प्लस रूट 37/2 कॉमा थ्री माइनस रूट 37/2। एक अगर अल्फा है तो दूसरा अपने आप बीटा है, एंड इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ए का कोएफिशिएंट वन है, दिस मीन्स अब मैं देखूँ तो वो इनइक्वालिटी अभी रिड्यूस कहाँ तक हो चुका है? यहाँ तक हो चुका है। ओके दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो था, साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर थे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हटाओ जल्दी। ओके नेगेटिव नंबर रहते तो तब तो साइन चेंज करना पड़ता ना। ओके नाउ वी कैन सी दिस कैन बी फैक्टराइज, एक्स माइनस अल्फा, अल्फा इज थ्री प्लस रूट 37/2, एक्स माइनस बीटा, बीटा इज थ्री माइनस रूट 37/2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फाइव लेस देन और इक्वल टू जीरो। कैसे सॉल्व करते हैं? भारी भरकम है, देख के डरना नहीं है। क्या करना है? नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर देना है। उसके पहले मैं चेक कर लूं कि भाई रूट 37 प्लस 3/2 कितना होता है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ माइन में मार्क कर दिया 5, अब मैं इस चीज को इसके आगे मार्क करूँ या इसके पीछे मार्क करूँ देख लेते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। देख लेंगे, देख लेते हैं। थ्री इज थ्री तो
√37, देखो √36 होता तो आंसर 6 आता, √37 हो गया तो 6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, लगभग 6, 9/2, ये लगभग 4.5 के आसपास होने वाला है। ओके दिस मीन्स ये 5 से छोटा है। अच्छा तो इसको रख देते हैं 3 + √37/2, 5 कहीं इधर आएगा, और ये तो भाई तीनों में छोटा है दिख रहा है, लेकिन एक मिनट, वो वाला चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस बस ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ रहा हूँ। तुम बोलोगे दिस इज ए नेगेटिव नंबर क्योंकि 3 is less than √37। अब तो तुम्हें टेंशन ही नहीं है, तीनों को प्लॉट कर दिया प्लस माइनस, क्योंकि क्योंकि किसी पे कुछ पावर है भी नहीं, सारे ऑड पावर्स हैं, अल्टरनेट साइन चेंज होता जाएगा। नाउ वी कैन सी, हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो पहले लेस देन 0 को देख लेते हैं, या तो इधर या तो इस बीच में। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 - √37/2 तक, क्या इसको लेना है? बोलेंगे हाँ ले लो क्योंकि इज इक्वल टू 0 भी गिवन है। यूनियन किसके साथ? क्या 3 + √37/2 को लेना है? हाँ लेना है। कहाँ तक? 5 तक। क्या 5 को लेना है? नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 5 डेनोमिनेटर में है ना, अगर 5 ले लिया x तो डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अच्छा डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा भैया, तो ये आंसर है। कुछ छोटा क्या? नहीं, अल्टीमेटली आंसर आ गया। तो यही था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेंगे एंड अपना काम बन जाएगा। चलो -x² + 2x एंड -5 मल्टीप्लाइड बाय x² + 2x -5 डिवाइडेड बाय 2x² - 3x -1 इंटू x - 7 का होल क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेक करते हैं भाई, ये तो भारी भरकम है फिर से। कोई बात नहीं, कर लेंगे, एक एक करके सारे क्वाड्रेटिक को एनालाइज करते हैं। -x² + 2x -5, एक तरीका तो ये है कि इसमें माइनस साइन कॉमन निकाल लो और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, या फिर तुम ऐसे ही डायरेक्टली एनालाइज कर दो कि x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, अगर डी लेस देन 0 हुआ तो वो खुद नेगेटिव रहेगा हमेशा। ठीक है दोनों तरीका अपना सकते हैं, ठीक है मैंने दोनों बता दिया। या तो माइनस साइन कॉमन निकाल लो, इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, या तो इस पूरे क्वांटिटी को ही एनालाइज कर लो भाई। तो मैं इसी को एनालाइज कर देता हूँ, इसका मैं जब डी निकालूंगा तो वो आएगा b² = 4 -4ac, क्योंकि a * c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4ac 20, दिस इज -16, डी लेस देन 0 है एंड ए इज -1 विच इज अगेन लेस देन 0। इसका मतलब इस चीज का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स। अच्छा तो नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ठीक है पहले वही कर दिया, x² + 2x - 5 ऊपर बचा, नीचे बचा हुआ है 2x² - 3x - 1 (x - 7) दी होल क्यूब, एंड साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अभी लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ओके नाउ अब इसको एनालाइज करेंगे, x² + 2x - 5, इसका जब d निकाला गया तो वो आ गया b² - - +4ac विच इज 24। भले ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया लेकिन d पॉजिटिव आया, दिस मीन्स दिस कैन बी फैक्टराइज। तो इसका रूट निकाल लिया जाए, -b + -√d डिवाइडेड बाई 2a, तो दिस इज बेसिकली -2 + -√24 को 4 * या फिर हाँ ठीक है 4 * 6 लिख सकते हैं, तो दिस इज 2√6।
डिवाइड बाय टू, टू 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 काटो भाई, काटो 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 काटो, तो एक बार आएगा वन प्लस टू रूट टू तो हट गया ना, वन प्लस रूट सिक्स कॉमा वन माइनस रूट सिक्स, माइनस के साथ था। ओके, दिस मीन्स ये फैक्टराइज हो जाएगा, इसका टेंशन खत्म है। इसको चेक करो भाई, इसका डी निकालो, बी स्क्वायर नाइन माइनस माइनस प्लस फोर ए सी, फोर इंटू टू एट, वाई 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 17, ये भी फैक्टराइज होगा। अरे वाह अरे वाह, तो डी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर नाइन माइनस फोर ए सी माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई टू ए, टू इंटू टू फोर, ये आ गया थ्री प्लस माइनस रूट 17 बाई फोर। अरे भाई भाई भाई, खतरनाक फैक्टराइजेशन, मजा आ गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस माइनस वन प्लस रूट सिक्स, एक्स माइनस माइनस वन माइनस रूट सिक्स। नीचे वाले को लिख सकता हूँ एक्स माइनस थ्री प्लस रूट 17 बाई फोर, एक्स माइनस थ्री माइनस रूट 17 बाई फोर, एंड एक्स माइनस सेवन का होल क्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब करना आसान हो गया, लेकिन अभी भी लोचा किस बात का है? नंबर लाइन, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, सेवन तो सबसे बड़ा होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थ्री प्लस ये फोर, लगभग थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन बाई फोर, सेवन बाई फोर कितना आएगा? वन, तीन, जीरो, 1.7 के नज़दीक। अच्छा, रूट सिक्स इज क्यू पॉइंट समथिंग। अच्छा, टू का माइनस वन हो गया तो वो वन बच गया बेचारा। ओके, एक एक करके कर देते हैं फिर। ये वाला चीज़ तो नेगेटिव है, ये वाला भी चीज़ नेगेटिव है, और ये ज़्यादा नेगेटिव है। तो माइनस वन माइनस रूट सिक्स, थ्री माइनस रूट 17 बाई फोर, एक बार कंपेयर कर लेंगे फिर भी। दिस इज माइनस वन फोर टाइप समथिंग। ना ना ना, अरे ये तो और छोटा। हाँ ठीक है, और ये, हाँ ठीक है, सही है। एंड दिस इज अगेन, इन दोनों में बड़ा कौन था भाई? ये टू पॉइंट समथिंग था, माइनस वन हुआ, तो माइनस वन प्लस रूट सिक्स, लेकिन ये थ्री प्लस रूट 17 बाई फोर थोड़ा बड़ा होगा, एंड सेवन सबसे बड़ा। सब पे पावर ऑड है, इसका मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस साइन करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आंसर क्या होगा? आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन माइनस रूट सिक्स, क्या लेना है उसको? हाँ, इक्वल टू जीरो हो रहा है उस पर, तो ले लिया। यूनियन यूनियन, थ्री माइनस रूट 17 बाई फोर को नहीं लेना है, क्योंकि वो भाई डिनोमिनेटर में ब्लंडर हो जाएगा। यहाँ से माइनस वन प्लस रूट सिक्स को लेना है, क्योंकि न्यूमिनेटर में है वो। यूनियन थ्री प्लस रूट 17 बाई फोर को नहीं लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेवन को भी नहीं लेना है। यहाँ तक आंसर कुछ छूटा क्या? कुछ नहीं छूटा, सब आ गया। तो ये था बेटा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, मतलब बेसिकली जो भी इनइक्वेशंस एंड इक्वेशन चैप्टर में हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था, उसी के बेसिस पे बस थोड़ा बहुत क्या हो गया कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो क्या। तो ये हम लोग डी चेक करते हैं, अगर वो फैक्टराइज हो पाता है तो फैक्टराइज कर देते हैं अल्फा बीटा रूट निकाल के, अगर फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं? हटा देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ भी किया है। क्या गड़बड़ किया? मैंने एक टू छोड़ दिया नीचे में फैक्टराइज करते टाइम, यहाँ टू लिख लेना। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट टू था ना। फैक्टराइज करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखेंगे ना, तो ए मैंने छोड़ दिया था, लेकिन टू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टू तो पॉजिटिव नंबर है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चल जाएगा काम, आंसर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी खत्म किया। चलो, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, स्टे ट्यून्ड। और जो बच्चे भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पे फाउंडेशन का पूरा कोर्स हो रहा है, जो भी आगे पढ़ना चाहते हैं जेई के लिए या फिर नेट के लिए, जिनको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है,
क्योंकि मैं बोर्ड लेवल भी कवर कर रहा हूँ, तो तुम लोग अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, स्कूल वाले फ्रेंड को, कोचिंग वाले फ्रेंड को, सबको। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।